लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। जो इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है उबला हुआ आलू। तो आपको लगेगा उबला हुआ आलू उबला आलू। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा उबला हुआ आलू like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Hi friends, कैसे हो आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे तीसरे वीडियो में। आज भी मैं कुछ ब्रेड का ही बनाने जा रही हूँ। मैं एक बार चांदनी चौक गई थी, वहां पर मैंने बॉम्बे सैंडविच खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। एक तो उसकी खास बात थी कि वो जल्दी बन जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुकिंग में, और आपके पास जो भी अवेलेबल स्टफ है आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उसे बना सकते हो। तो मैंने भी उसे बनाने की कोशिश की थी यूट्यूब पे देख के, मुझे भी नहीं आती कुकिंग ज़्यादा, तो मैंने बहुत सर्च किया और फिर मैंने उसे बनाया भी, मगर वो उतनी अच्छी नहीं बनी। फिर मैंने उसे कैसे भी करके मैंने बनाया, वहाँ चांदनी चौक की जो फेमस है उसको कॉपी किया, तो वो थोड़ी ठीक बनी, मतलब अप टू द मार्क थी। तो मैं वही रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उस रेसिपी का नाम है बॉम्बे सैंडविच। तो भूख बहुत अच्छी होती है जब लगती है, तो लगता है कि कुछ भी जल्दी से अपने आप बन के सामने आ जाए तो मैं खा लूँ और ठीक लगे फिर मुझे। इसी पे भूख पे कुछ इरफान साहब का एक शेर मैं आपसे बोलना चाहूंगी। इरफान साहब का शेर है, अब मैं पानी तलाश करता हूँ, भूख थी मेरा मसाला पहले। तो आप रेसिपी देखिए, ये भी जल्दी बन जाएगी और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके पास जो भी अवेलेबल चीज़ें हों उनसे आप बना सकते हैं। मैंने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, आपके पास जो सामान हो आप उस हिसाब से मॉडिफाई करके बनाइए और बनाइए और खाइए, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। जो आपको इस रेसिपी के लिए जो आपको मेन सामान जो आपको चाहिए होगा, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो है चटनी। आप धनिया लीजिए, टमाटर लीजिए, जैसे भी सामान जितनी भी आपको चटनी बनानी हो, अगर दो टमाटर लेते हैं आप तो थोड़ा सा धनिया ले लीजिए, उसमें आप मिंट भी यूज़ कर सकते हैं, मिंट, धनिया, चिली, ग्रीन चिली और टोमेटोज, उसके साथ अदरक, और आप जीरा को भून के उस चटनी में डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और थोड़ा सा लेमन अगर आपको खट्टा पसंद हो तो चटनी में डाल के, और सॉल्ट। इन सबको आप मिक्सी में पीस लीजिए, आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। इस रेसिपी को आप अपने हिसाब से बनाइए, जैसे भी आपको पसंद हो, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हों खाने में। तो इस रेसिपी में जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपको नहीं हटाना है, वो है चटनी, उबला आलू, टमाटर, प्याज, सॉल्ट, बटर। इनको आपको ज़रूर उसमें लेना है, और इनके साथ आप बनाइए दिल्ली की फेमस चांदनी चौक की बॉम्बे सैंडविच।
आप भी खाइए और खाके मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आपको कैसी लगी ये। आई होप आपको पसंद आई होगी हमारी ये रेसिपी। सो आप खाइए और सबको खिलाइए। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।